बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है, जो कि चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक्स इसके हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो है वो सिर्फ इनको फैक्टराइजेशन करना है, इनको बनाना कैसे है ये सारा हम सीखेंगे। इसमें 5.2 है क्वेश्चन, इसका फर्स्ट मैं करवा चुकी हूँ, सेकेंड करते हैं। अब देखिए ना, कैटेगरीज चेंज होती जाएंगी, फैक्टराइजेशन करने का मेथड जो फार्मूला है वो सेम रहेगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना चेंज होती जाएंगी। अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया था, क्वेश्चन फर्स्ट में 2.5 में फर्स्ट क्वेश्चन में, वो ये था कि हम जो हमारे पास स्केलिंग में 2 का टर्म थी ना, 2 की टर्म, जैसे कि ये है ना ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर, ये जो टर्म है ना ये हमें खुद बनानी पड़ती थी। कभी हम उसको ऐड कर लेते थे और कभी साथ में माइनस कर लेते थे, या कभी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कांस्टेंट था उसको हम सॉल्व आउट करके तो ये बना लेते थे। लेकिन अब हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिससे ना हम ज़रा दूसरे तरीके से ये अब सॉल्व उसको करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अब ये इस तरह की सिचुएशन हरगिज़ नहीं है। देखें, फर्स्ट का स्केयर तो ईजिली हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सेकंड हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, देखें सेकंड इसको अगर मैं लूँ कांस्टेंट को, अगर हायर पावर और कांस्टेंट की बात करें, तो 48 का जो है वो कभी भी परफेक्ट स्केयर नहीं बनता, इसलिए हमें ये करना नहीं पड़ेगा। अगर हम परफेक्ट स्केयर होता, 36 होता, 81 होता, तो ईजिली हम परफेक्ट स्केयर बनाकर इन दोनों का फार्मूला सॉल्व आउट कर लेते हैं। लेकिन हम ज़रा टर्म चेंज हो गया, उसकी कंडीशन चेंज हो गई है, उसका जो मेथड है वो चेंज हो गया, तो हम सोचेंगे भी, माइंड भी हम थोड़ा सा इस तरह ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, फर्स्ट का स्केयर तो आ जाएगा ईजिली, यहाँ पर अब हम इस टर्म को बनाने की कोशिश करेंगे प्लस 2 फार्मूले का, ठीक है। और देखिए, इसका परफेक्ट स्केयर भी नहीं बनता, 2 फार्मूले का फर्स्ट एक्स हो जाएगा और सेकंड हम ऐसी वैल्यू लेंगे जो हमारे पास क्या होगी, सेकंड वैल्यू हमने अब खुद से बनानी है। पहले क्या थी, पहले ये टर्म मिस थी और ये हमने बनानी थी, अब हमारे पास सेकंड वैल्यू जो है वो मिस है, हमने खुद से बनानी है। एक दो प्लस भी करेंगे, एक दो माइनस भी करेंगे, काम वही करना है, लेकिन अब पहले जो टर्म थी वो थी 2 की और अब टर्म है सेकेंड वैल्यू यानी कि बी की। सेकेंड वैल्यू ही ज़्यादा कहते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट का होल का स्केयर, अभी मैंने सिर्फ इन दो टर्म्स को लेते हुए इनका फार्मूला सॉल्व करना है और ये सेपरेट लिखा जाएगा, प्लस अब मैंने इसको ऐसे बनाना है जो कि हमारे पास 2 फार्मूले का बने, फर्स्ट एंड सेकंड, और सेकंड ऑटोमेटिकली खुद आए और इसी चीज़ से, यही मेन वैल्यू है जिसे हमें पता चलता है कि इसकी सेकेंड वैल्यू यानी कि बी क्या होगी। तो आपने इसको ज़रा ध्यान से देखना है कि कैसे मैं इसको करने लगी हूँ। देखें, 2 फार्मूले का तो हम लिखते ही लिखते हैं, इसमें से मैंने देखना है कि 14 जो है वो 2 के डबल में आता है, यस आता है, तो मैंने यहाँ पर 2 बस अभी लिख दिया, फर्स्ट ये वैल्यू लिख दी। देखें, 2 फार्मूले का लिखा, फिर फर्स्ट यहाँ से लिख लिया। जब ये चीज़ हमारे पास नहीं है तो ये बनाने के लिए थोड़ा सा एस्टिमेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें गेस लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी जिससे हमारे पास सेकेंड वैल्यू बने। प्लस लिखा, 2 फार्मूले का लिखा, फर्स्ट यहाँ से ले लिया, अब मैंने सेकेंड ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसको मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमारे पास आए 14, 2 7 14। तो ये मैंने एस्टिमेट किया, खुद से गैस किया, थोड़ा सा जो है वो गैस करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो सेकंड वैल्यू है वो क्या है, 7। फर्स्ट का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एस्टिमेशन कर ली। अब जो सेकंड आई है अभी, उसका पता है आपको स्केयर भी हम लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट लिखा, सेकंड लिखा और सेकंड का स्केयर भी लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैं सेकंड का जो मैंने एस्टिमेट किया उसका स्केयर भी लिख लूँगी। अब जो चीज़ मैंने खुद से लिखी है प्लस की है, 48 लिख लेती हूँ क्योंकि ये पहले से टर्म थी। देखिए मैंने क्या किया, अभी ज़रा फर्स्ट लिखा, इसको मैंने कन्वर्ट किया किस में, स्केयरिंग में, ठीक है। स्केयरिंग में कन्वर्ट करने के बाद ये वाली वैल्यू लिख दी। अब ये जो सेकेंड है इसका हमने स्केयर भी तो लेना है, जो चीज़ मैंने प्लस की है उसको मैं माइनस भी कर दूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ें हमने लिया, एक हमने ये लिया और एक हमने ये लिया, इसको एक दो प्लस किया, एक दो माइनस किया। मेन काम क्या है, एस्टीमेट करना, अगर आप एस्टीमेट अच्छे से कर लेते हैं ना तो आपका जो है वो फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, क्या किया हमने सारा, अब इन 3 टर्म्स को मैंने लिया और इन 3 टर्म्स को फार्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट, सेकेंड, मैंने ट्रिक पहले भी बताई हुई है कि अगर आपने
फार्मूला थ्री टर्म से सॉल्व आउट करना है तो ये टू वाली टर्म ले लेनी है आपने, टू वाली टर्म ले ली, फर्स्ट लिखा सेकंड लिखा, यहाँ से प्लस लिखा और ये टू जो है वो फार्मूले में कंप्लीट हो गया। ये तीनों टर्म्स मैंने फार्मूले में कंप्लीट कर ली। अब क्या करना है, 48 एज इट इज माइनस 7 को मैं जब टू टाइम करूँगी तो 7 7 आ जाएगा 49, 49 आ गया। प्लस माइनस माइनस 49 में से 48 निकाला तो आ गया 1 और साइन आएगा हमेशा बड़ी वैल्यू का, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 के ऊपर मैं अगर 100 भी लगा दूँ, 1000 भी लगा दूँ पावर में तो आना 1 ही है, लेकिन मैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखूंगी तो 2 है, तो मुझे यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब ये फिर से फार्मूला जो है वो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस वाला है, तो वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पर माइनस आ रहा है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस आ गया और एक दफ़ा माइनस आ गया, ठीक है। फर्स्ट अब हम लिखेंगे, पहले सेकंड लिखेंगे, फिर से फर्स्ट मीनिंग इसकी लिखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। एक दफ़ा कर दिया प्लस और एक दफ़ा कर दिया माइनस, ठीक है। ये हमारा इतना हो गया। अब मैं इसको ज़रा राउंडेड ब्रैकेट में कर लूँ, राउंडेड ब्रैकेट में करेंगे तो एक्स प्लस 7 प्लस 1, एक्स प्लस 7 माइनस 1। अभी ये देखें अंदर जो है वो वैल्यूज़ ऐसी हैं जो सॉल्व हो सकती हैं, जैसे कि कांस्टेंट कांस्टेंट, 7 में 1 ऐड किया तो 8 आ गया और 7 में से 1 माइनस किया तो 6 आ गया, अच्छा यहाँ पे आएगा प्लस, बिकॉज बड़ी वैल्यू का ही हम साइन लेते हैं तो यहाँ पे प्लस आएगा। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में इजीली हमारे पास फर्स्ट वाली तो आ जानी है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट एक्स है। अब आपने सेकंड वैल्यू ऐसी लिखनी है जिसको सॉल्व करने से हमारे पास ओनली 21 आए, जैसे मैंने पहले एस्टिमेशन करवाया था कि 2 पहले लिख लेना है आपने, वो फार्मूले का लिखना ही लिखना है आपके पास, बेशक ये वैल्यू उसमें उसका मल्टीपल हो के ना हो आपने लिखना है, 2 फार्मूले का लिख लिया। फिर हमने सेकेंड वैल्यू ऐसी लिखी जिससे हमारे पास मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए। अब देखें 21 तो अगर मैं लिख लूँ, लेकिन 21 को 2 से करूँ तो वो 21 नहीं आता, उससे कुछ कम आता है, सॉरी उससे कुछ ज़्यादा आता है, तो इस वजह से मैं 21 लिख के नीचे लिख देती हूँ 2। अब मैं बता रही हूँ कि इसकी रीज़न क्या है, देखें जब मैं ये चीज़ दोबारा से लाना चाह रही हूँ तो 2 2 कट हो जाएगा और 21x फिर से आ जाएगा। ऐसी वैल्यू एस्टिमेशन कर ली हमने, एस्टिमेट के सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या है 21/2, तो मैंने यहाँ पे जो चीज़ सेकेंड वाली ली थी उसका स्केयर भी तो लेना है, तो स्केयरिंग कर ली, प्लस 108 लिखा और जो चीज़ मैंने ऐड किया वो चीज़ मैंने माइनस भी कर दी, ठीक है, ये काम ऐसे कर लिया। अब जो थ्री वैल्यूज़ हैं, थ्री टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स हैं, फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकेंड विदाउट एनी पावर। अब इनको कम्प्लीट करते हैं फार्मूले में और फिर इन दोनों की वैल्यू की बात करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, मैंने बोला था कि 2 की टर्म्स ले लेनी है आपने, फर्स्ट हमारे पास x है, सेकंड है टोटल लेना है आपने 21/2, साइन यहाँ से लेंगे माइनस और ये आ जाएगा 2। अब क्या करना है, 108 माइनस 21 का स्केयर लेना है और 2 का लेना है, तो यहाँ पे हम देखें 21 का अगर हम लें, 21 को मतलब उसी से 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 2 2 4, तो 4 4 1 मीन्स का 21 का जब मैंने स्केयर लिया तो 4 4 1 और 2 का लेंगे तो 4। अच्छा जी, अब ये ज़रा थोड़ा काम लंबा है बिकॉज ये अब आ गया उसमें फ्रैक्शन में आ गया, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा और 2-3 चीज़ें और करनी पड़ेंगी, तो इस वजह से ऐसे करेंगे। अच्छा ये अब देखें, एक फ्रैक्शन में एक सिंपल है तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, ठीक है, तो 1 एंड 4 का जब मैं एलसीएम लूँगी तो 4 ही आएगा। एलसीएम का जो है ईजी वे क्या है, आप सबसे पहले ऊपर वाली, नीचे तो आपने देख लिया कि क्या आना है, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख के मल्टीप्लाई का साइन और थोड़ी सी जगह छोड़ दें, माइनस 41 4 4 1 मल्टीप्लाई बाय थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है, ठीक है। इससे ये होता है कि आपको ईजी पता चल जाता है कि हमने ऊपर क्या लिखना है। ये मैंने आपको 1 एंड 4 का एलसीएम लेने से 4 आ गया वो लिख लिया, फिर 108 और थोड़ी सी जगह, फिर 4 4 1 और थोड़ी सी जगह छोड़ दी। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसको लेना है और देखना है डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 का टेबल मैंने कहाँ तक पढ़ा, 4 आया 4 तक, तो 4 को 108 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, माइनस 4 4 1 पहले से लिखा हुआ, 4 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ, 4 आए 1 तक, तो 1 मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया,
ये आ गया एक्स माइनस 21 बाय 2 उसका होल का स्क्वायर प्लस, अब क्या करना है 108 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 ज़ा 32, 4 0 ज़ा 0 और 3 आ जाए 4 1 ज़ा 4, ये आ गया 4 3 2 माइनस 4 4 1 बाय 4। अभी भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 3 2 1 में से ये छोटा है तो ये बड़ा, मतलब कि हमें 4 4 1 में से ही 4 3 2 माइनस करना पड़ेगा, 1 में से 2 कॉमन नहीं आता, मतलब माइनस नहीं होता, तो हम क्या करेंगे इस साइड से लेंगे कॉमन, ठीक है कैरी ले लेंगे, 1 आ गया, 11 में से जब मैं 2 निकालूंगी तो हमारे पास क्या आएगा 9 9 आ जाएगा और साइन आएगा नेगेटिव, ये बाहर पॉजिटिव है इसका आ गया नेगेटिव। मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रही हूँ, डायरेक्ट भी मैं कर सकती थी लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया पॉजिटिव लिख के और नेगेटिव अंदर लिख दिया। अच्छा जी अब क्या करना है, अब अगर देखा जाए तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसका 3 का, प्लस माइनस माइनस 9 की जगह मैं लिख रही हूँ 3 की पावर 2, 4 की जगह लिख रही हूँ 2 की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको निकाल लूँ ही, मतलब मीन्स के इनकी पावर्स को जो है वो बाहर ले जाऊँगी, 3 बाय 2 और होल की पावर आ गई 2। अब फिर से ये फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है वो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस वाला, तो अब मैं इसको एक दफ़ा प्लस में कर रही हूँ और एक दफ़ा माइनस में कर रही हूँ। पहले फिर लिखूँगी मैं फर्स्ट वैल्यू, फिर लिखूँगी मैं सेकंड वैल्यू, क्लोज, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू क्लोज, एक दफ़ा कर दिया प्लस एक दफ़ा कर दिया माइनस। आप यहाँ से क्लियरली समझ लें कि बस एलसीएम आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उसके बाद वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं ना बन रहा आपका तो इसका मतलब है कि आपकी जो एलसीएम है उसमें कुछ ना कुछ मसला है, ठीक है। अब आपने एलसीएम अच्छे से ले लिया, फिर उनका परफेक्ट स्क्वायर भी कर लिया, एक दफ़ा प्लस में कर दिया एक दफ़ा माइनस में, अब यहाँ पर मैं ये जो चीज़ है ना इसको मैं राउंडेड ब्रैकेट में नीटली करके नेक्स्ट पेज में लिख रही हूँ। अच्छा जी ये हमने क्या किया, मैंने इसको सिंपल राउंडेड ब्रैकेट में कर दिया, लेकिन अभी भी हमारे पास ना कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ बची हुई हैं जैसे कि ये और ये। जब हमारे पास बेसिस सेम हो, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम हो, तो हम क्या करते हैं हम उनको एक दफ़ा लिखते हैं माइनस 21 प्लस 3 और ऊपर वाली वैल्यूज़ भी एज इट इज़ आ जाती हैं। अच्छा जी अब मैंने क्या किया कि डिनोमिनेटर एक दफ़ा लिखा और ऊपर वाली वैल्यूज़ को सेम लिखा, बिकॉज ये बहुत इजी ट्रिक है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ जाते हैं तो हम उसको एज इट इज़ लिख के ऊपर वाली वैल्यू भी एज इट इज़ लिख लेते हैं। x माइनस प्लस माइनस 21 में से 3 निकाला तो हमारे पास आ गया 18 आ गया और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि हमारे पास है नेगेटिव। उसके बाद माइनस माइनस वैल्यू तो होगी प्लस लेकिन साइन आएगा माइनस का, 21 में 3 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 24 बाय 2। अच्छा जी अब आगे देखें लास्ट में क्या काम हुआ है कि वो कट हो रहे हैं 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 एंड 2 ज़ा 4, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन सॉरी फैक्टराइजेशन आई हुई एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 12। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें सेम वही प्रोसेस है, बस अब सॉल्व आउट करना है कि कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट का स्क्वायर तो आपको पता है करना ही करना है, ठीक है माइनस 2 फार्मूले का लिखना है, फिर फर्स्ट विदाउट एनी पावर। अब सेकंड वैल्यू आपने ऐसे लिखनी है जिसको मल्टीप्लाई करने से या सॉल्व करने से 11 आना चाहिए फिर से, तो आपको पता है कि 11 अगर मैं लिख लूँ लेकिन 2 का मसला हो रहा है तो 2 जब मल्टीप्लाई किया है तो वही 2 को मैं डिवाइड भी कर दूँगी, क्योंकि ये जब एलिमिनेट हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा 2 2 तो फिर से 11x आ जाएगा। अब जो चीज़ मैंने एक्स्ट्रा ली, एक्स्ट्रा क्या लिया मैंने 11 बाई 2, उसको मैंने उसका स्क्वायर भी ले लेना है, माइनस 42 एज इट इज़ आ जाना है। अब जो चीज़ मैंने प्लस किया उसको मैंने माइनस भी करना है, ठीक है बिल्कुल क्लियरली समझ लें कि सबसे पहले क्या किया फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट, एंड सेकंड ऐसी वाली लेनी है जिससे जिसको सॉल्व करने से दोबारा 11 आए, तो 2 आपका मसला हो रहा है 2 और 2 कट हो जाएगा 11 एज इट इज़ आ जाएगा। तो जो चीज़ मैंने खुद से लिया उसको मैंने प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, और माइनस 42 पहले से ही है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम जो 3 टर्म्स हमारे पास बन रही हैं उनका हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, ये 3 टर्म्स हैं ठीक है। फर्स्ट मैंने बोला था कि आप इग्नोर कर दें बाकी वैल्यूज़ को, जो 2 वाली टर्म्स है ना उसको आप देखें, फर्स्ट ये है, सेकंड है 11 बाय 2, यहाँ से साइन लिया नेगेटिव और ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट में स्क्वायर में चला गया, ठीक है।
अब क्या करना है, अब हमने यहाँ पे -42 और ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट बचे हैं ना उनको सॉर्ट आउट करना है। तो -11 को जब हम 2 टाइम करेंगे, 11 का स्केयर लिया तो आएगा 121 और 2 का स्केयर लिया तो वो आ गया 4। अब फिर से ये फ्रैक्शन वाली बात हो गई, तो फ्रैक्शन हम सिंपली इसको एलसीएम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 आएगा, 4 आ जाएगा, फिर 42 मल्टीप्लाई बाय माइनस थोड़ी स्पेस छोड़ दी 121 और मल्टीप्लाई बाय थोड़ी सी स्पेस, 1 का टेबल 4 तक पड़ा तो 4 आया, तो 4 को हम फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का टेबल 1 तक पड़ा तो 4 वन जा 4 आएगा, 1 फिर 2 121 के साथ हम इसको लिख लेंगे। अच्छा जी, ये एज इट इज़ रहने देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब मैं 42 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, 42 ज़ा 8, 44 ज़ा 16, ठीक है, 42 ज़ा मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप इसको कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, या वैसे करना है तो वैसे करना है, 42 ज़ा 8, 44 ज़ा 16 आ गया, -121 and 4, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है, माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, मीन्स कि इन दोनों को मैंने प्लस कर देना, 168, 121, 9, 6, 7, 8 और ये 289 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट पे लिख रही हूँ सारी वैल्यू एज इट इज़, बस इसकी जगह मैं लिख लूँगी 298/4, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 11/2 का स्क्वायर माइनस 289/4। अब 289 जो है उसका हमने देखना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं इसका, इसके फैक्टर्स निकालना, तो फैक्टर्स निकालते हैं, देखें लास्ट में इवन नंबर नहीं है तो ये क्या इस पे आ रहा है, 3 के टेबल में 9, 10, 11, 19 नहीं आता, मींस के मुझे लग रहा है कि 7 पे आएगा या तो 9 है ना लास्ट पे, इसकी वजह से मसला हो रहा है। तो हम देखते हैं कि 7, 7 से 49 आ रहा है, तो 7 से भी नहीं हो सकता, बिकॉज वैसे अगर हम करें 7, 7 से 49 तो आ रहा है, लेकिन अगर 7, 4 से 28 और फिर 9 का मसला हो जाता है, 7 से भी नहीं हम कर सकते, उसके बाद 9 से भी नहीं कर सकते, बिकॉज 9, 9, 3 जो है वो 27 और फिर 19 का मसला हो जाता है, 9 से भी नहीं हम कर सकते, 11 से भी नहीं हो सकता, 13 से भी नहीं हो सकता, क्योंकि 13 को अगर हम 13 से करें ना तो 1, 3, 3 9, 169 हो जाता है, ठीक है, मींस कि 9 आ रहा है लेकिन 169 तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, 15 से करें फिर भी लास्ट पर 5 आता है, 15, 16, 17 अगर हम 17 से कर लें तो 17 से जो है वो ईजिली आ जाता है, 17, 1 ज़ा 17, ठीक है, 17, 1 ज़ा 17 आ गया। चलिए अगर हम इसको डायरेक्ट कर लेते, ठीक है, 17 से करके देखते हैं, अगर हमारे पास हो गया तो हम उसको 17 लिखते हैं, 7, 7 ज़ा 49, 7, 1 ज़ा 7, 8, 9, 10, 11 आ गया, ठीक है, उसके बाद 7, 1 ज़ा 7 और 1, 9, 8 और 2, 289 एग्जैक्टली आ गए, मतलब को 17 को मैं 17 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 289 आएगा, फिर 17, 1 ज़ा 17, तो परफेक्ट स्केयर जो है वो हमारा क्या हुआ, 17। x माइनस 11/2 उसका होल का स्केयर, तो मैं इसकी जगह 289 की जगह लिख रही हूँ 17 और 4 की जगह लिख रही हूँ 2 और ये दोनों होंगे दो दफ़ा, मीन्स के 17 को भी मैं 17 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आएगा और 2 को 2 टाइम करूँगी तो 4 आएगा। अब क्या करना है, अब ये फार्मूला कम्प्लीट हो रहा है, जो एक दफ़ा ऐड वाला और एक दफ़ा माइनस वाला है, ये ना ही ब्रैकेट लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि कन्फ्यूज हो जाती है बच्चों को कि ब्रैकेट और ब्रैकेट के वगैरह वाला। अच्छा जी, अब क्या करना है, यहाँ पर हमने फर्स्ट लिखना है x माइनस 11/2, सेकेंड लिखना है, फिर से इसका ट्वीन लिखना है 17/2, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, ये आ गया हमारे पास x माइनस 11/2 प्लस 17/2, उसके बाद x 11/2 माइनस 17/2, इसका मतलब अभी भी हमारे पास कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वो फ्रैक्शन में ही है, तो फ्रैक्शन में देखेंगे नीचे जो हमारे पास है डिनोमिनेटर में वो सेम है, तो ये इसका मतलब ये हमारे लिए अच्छी बात है, हम इसको क्या करते हैं एक दफ़ा ही लिखते हैं ऊपर वाली वैल्यूज़ को भी सेम एज इट इज़, ये हमारे पास एडवांटेज होता है अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो। उसके बाद 2 11/11 - 17, अच्छा जी अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में डायरेक्ट कर दूँ, एक्स माइनस प्लस माइनस 17 में से 11 निकाला तो हमारे पास आ गया, देखें 1 और 1 ख़त्म, 6 -6/2, ठीक है,
अच्छा अगर मैं इसको लिखूँ 17 और 11 को जब मैं ऐड करूँ, बिकॉज माइनस माइनस वाली जो होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, तो ये 8 और 28, 28 बाय 2, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, 2 फोर ज़ा 8, 2 वन ज़ा 2, 2 थ्री ज़ा 6। तो हमारे पास जो फैक्टर बना है वो किसका बना है, वो बना है x माइनस 3 का और x माइनस 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेम एज इट इज़ है, करके वो भी देख लेते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, जैसे हम समझ लेना इनका, बस ये है कि आप एक दफ़ा लॉजिक इनका समझ लेना तो बहुत ईजीली ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अच्छा जी अब क्या करना है, सेम वही काम, फर्स्ट का स्क्वायर, इसका मैं देखूं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, बिकॉज हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने ये देखा था कि आप हायर पावर ले लें और कांस्टेंट ले लें, तो कांस्टेंट का देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं रहा, तो हमें ऑटोमेटिकली ये लेना पड़ेगा, मीन्स कि हमें जो मिस है वो हमारा क्या है, सेकेंड वैल्यू मिस है, प्लस टू फार्मूले का फर्स्ट है यहाँ पे एक्स, और सेकेंड वैल्यू यहाँ पे हमने ऐसी लिखनी है जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ओनली एक्स आए, मीन्स कि एक्स हमारे पास है लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, टू, टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साथ इसको डिवाइड करके यहाँ पे वन लिख देते, बिकॉज इसका कुछ कोफिशियंट नहीं है तो वन एग्जिस्ट करता है बच्चों, टू और सॉरी टू और टू कट जाएगा तो वन एक्स एक्स आ जाएगा, मतलब कि हमारे पास हर चीज़ का जो है वो सोल्यूशन मौजूद है इन वैल्यूज़ में ही, इन वैल्यूज़ के अंदर ही, अगर आप अपना ज़रा माइंड खोलें तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर से ही हमने सारी चीज़ें लेनी है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब जो चीज़ मैंने खुद से ली है उसको हम क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस कर देंगे उसके स्केयर को, बिकॉज फार्मूले का क्या है, फर्स्ट का स्केयर सेकेंड का स्केयर प्लस टू फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकेंड इधर यानी पावर, जो चीज़ मैंने ऐड की है 132 लिख लें, वो चीज़ मैंने माइनस भी तो करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास तीन चीज़ें आई हैं ना उनको मैं फार्मूले में कन्वर्ट कर रही हूँ, यहाँ से फर्स्ट ले ली, यहाँ से सेकंड ले ली, यहाँ से प्लस का साइन, और ये टू मैंने पहले ही इधर फार्मूले का लिख लिया था, माइनस 132 माइनस 1, टू को टू टाइम किया तो 4, मीन्स कि अब जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 1 बाई 2 उसका होल का स्क्वायर, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, 4, 1 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो 4 ही आना है। अब 132 मल्टीप्लाई स्पेस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय स्पेस, अच्छा जी 1 का टेबल मैंने कहाँ तक पढ़ा, 4 आया 4 तक, तो 4 को मैं इस 132 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी, 4 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ, 4 आए 1 तक, तो 1 को मैं इस 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, एक्स प्लस 1 बाय 2 उसका स्क्वायर माइनस, इसको मैं 132 को 4 से करके देखते हैं, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, 4 फाइव ज़ा 4 एंड 5, 5 टू 8 माइनस 1 वन ज़ा 1, 4 एज इट इज़, ठीक है। अभी हमने इसको माइनस करना है, तो माइनस करने से देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है, 5 टू 8 माइनस 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 वैल्यूज़ होंगी प्लस, लेकिन साइन आना है माइनस का, मीन्स कि इनको ऐड करेंगे और आएगा 4। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर देख रहे हैं कि वो क्या आ रहा है, अच्छा 52 और 9 है ना, तो 9 से करके देखें तो 9 क्या आता है, 9 9 ज़ा 81, 9 9 6 ज़ा जो है वो क्या है हमारे पास 54, 9 5 ज़ा 9 5 ज़ा जो है वो हमारे पास है 45, 45 52 में से 45 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 4 यानी कि 7 79, मीन्स कि हमारे पास ये इससे नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा जी अब हम ना देखें जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, कौन से वाला किया था, ये वाला 289 वो हुआ था 17 से, मीन्स कि 289 है 17 से हुआ, ये है 529, तो ये किससे होगा, तो ये हम ना करके देखते हैं, ना ही ये 17 से होना क्योंकि 17 से वो हो रहा है, 19 से भी नहीं होगा क्योंकि 99 ज़ा जो है वो 81 होता है, लास्ट पर 1 आ जाना है, वो भी नहीं हुआ, उसके बाद 19 हो गया, 21 भी नहीं हो सकता, 23 करके देख लेते हैं क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है, 323, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, 9 12 एंड ये आ गया हमारे पास 23 ज़ा, मीन्स कि ये 23 का परफेक्ट स्केयर है, एक्स प्लस 1 बाय 2 उसका स्केयर, और 529 की जगह मैं लिख रही हूँ 23 और 4 की जगह लिख रही हूँ 2 और उसका होल का
स्क्वायर मीन्स कि 23 को मैंने 23 से ही मल्टीप्लाई किया तो 529 आया, और 4 की जगह जो है वो मैंने 2 की पावर 2 लिख ली। अब क्या करना है, एक दफ़ा प्लस करना है और एक दफ़ा इसको, ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ये हमारे पास होगा एक्स एक दफ़ा प्लस एक्स प्लस 1/2 23/2 और इसका ट्रिम मैं लिखूँगी एक्स प्लस 1/2 और 23/2। एक दफ़ा कर देंगे प्लस और एक दफ़ा कर देंगे माइनस, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब इसको ओपन करेंगे 1/2 + 32/2 एक्स प्लस 1/2 - 23 यहाँ पे आना है 23/2। अब क्या करेंगे, अभी भी कांस्टेंट मौजूद है तो हम सबसे पहले कांस्टेंट को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एडवांटेज ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो उनको एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। और दूसरा भी जो है वो एज इट इज आएगा 2, 1 - 23। ओके अब यहाँ पे क्या आना है, एक्स प्लस 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 23 को 1 ऐड किया तो 24/2 एक्स प्लस माइनस माइनस 23 में से 1 निकाला तो आया 22/, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का -2। 2 1 2 2 12 2 1 2 11 2 22। तो ये जब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी तो हमारे पास आएगा 12 एंड x माइनस 11।